हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं साइंटिफिक नॉलेज चैनल। एक मिनट, शायद ये आवाज़ आपको कुछ बदली बदली लग रही होगी। जी हाँ, मैं हूँ अंतरिक्ष रहस्य इंडिया चैनल से और साइंटिफिक नॉलेज चैनल के साथ मिस्कल मैं लाया हूँ मैथुसला द ओल्डेस्ट प्लेनेट ऑफ द यूनिवर्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। साइंटिफिक नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में हमारे चैनल अंतरिक्ष रहस्य इंडिया को भी सब्सक्राइब कर देना। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। M4 बहुत ही प्राचीन ग्लोबुलर क्लस्टर है। इस क्लस्टर में मौजूद तारे वो प्लैनेट बहुत ही पुराने हैं। यह क्लस्टर करीब 12.7 बिलियन ईयर्स पुराना है। यह क्लस्टर बिग बैंग के 1 अरब वर्ष के अंदर ही बन गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि बिग बैंग के बाद केवल हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसे लाइटर एलिमेंट्स ही मौजूद थे जिनसे तारों का जन्म हुआ था। उसके बाद तारों में सुपरनोवा हो जाने के बाद हैवियर एलिमेंट्स हुए और जिनसे प्लैनेट का जन्म हुआ। पर मैथुसला प्लैनेट की खोज ने वैज्ञानिकों को इस थ्योरी पर वापस से सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि मैथुसला करीब 12.7 अरब वर्ष पुराना है। और ये 12.7 अरब वर्ष पुराना है, इससे यह हमें पता चलता है कि उस समय भी ब्रह्मांड में हैवियर एलिमेंट मौजूद थे जिनसे गैस जाइंट और रॉकी प्लैनेट्स का जन्म हो चुका, जिनमें से एक गैस जाइंट मैथुसला प्लैनेट भी है। वैज्ञानिकों का ये तर्क गलत निकला कि शायद बिग बैंग के बनने के कुछ अरब वर्ष बाद ही हैवियर एलिमेंट्स ब्रह्मांड में आ पाए हों। पर मैथुसला प्लैनेट आज तक का खोजा गया सबसे पुराना प्लैनेट है। इससे ज़्यादा पुराना प्लैनेट आज तक हमें नहीं मिल पाया है। इस ग्रह की खोज ने हमें ये बता दिया कि 12.7 अरब वर्ष पहले भी ब्रह्मांड में हैवियर एलिमेंट्स मौजूद थे, हाइड्रोजन और हीलियम से भी हैवियर एलिमेंट। मैथुसला प्लैनेट का नाम बाइबल के एक पात्र मैथुसल के ऊपर रखा गया था, जिन्होंने इस संसार में माना जाता है कि सबसे ज़्यादा लंबी उम्र जी थी, करीब 969 साल। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही अंतरिक्ष रहस्य इंडिया चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में अंतरिक्ष रहस्य इंडिया चैनल पे। तो की वॉचिंग साइंटिफिक नॉलेज एंड अंतरिक्ष रहस्य इंडिया।